इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, प्रदेश में लगातार कोरोना का जो ग्राफ है बढ़ता जा रहा है, आज भी 47 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और सबसे चिंता वाली जो बात है वो है राजधानी जयपुर। जी बिल्कुल, राजस्थान जिस तरह से कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है उसी तरह जयपुर में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। जी जयपुर में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने, वही मानसिक क्षेत्र में भी कोरोना की और जो पॉजिटिव मरीज है वो मिलने की सूचनाएं मिल रही है, हालांकि उनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है। वही और बताना चाहूंगा की जयपुर अस्पताल में भी एक संदिग्ध की मौत हुई है, हालांकि उसको कुछ दिनों पहले खांसी जुकाम और इन तमाम सिम्टम्स के साथ उन्होंने भर्ती करवाया गया था और अब वहां पर भी एक मौत की सूचना सामने आ रही है। जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है उसी में आज 47 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं जो एक बड़ी संख्या मानी जा सकती है अब तक की। जिस तरह से लगातार कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं उसमें अब राजस्थान में 430 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। बाड़मेर में जो पहली बार कोरोना का पॉजिटिव मिला है वो जयपुर के रामगंज क्षेत्र से ही वहां का रहने वाला था, वो गया है वहां पर और वहां पर उनको कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसी से उनके संपर्क में आने वाले 32 लोगों की ओसीटी तैयार की गई है जिनको क्वारंटाइन भेजा गया है और उनकी जांच सैंपल लिए गए हैं। इस तरह से राजस्थान में कुल 24 जिलों में जो कोरोना का जो दायरा है वो बढ़ चुका है। इस तरह से इनकी बात करें तो जयपुर में भी अलग अलग टीमें बनाकर जयपुर के रामगंज और चारदीवारी क्षेत्र में वहाँ सैंपल लिए जा रहे हैं और क्लस्टर में तीन जो क्षेत्रों में जोन में बांटकर वहाँ पे अलग अलग सैंपलिंग के लिए टीमें गठित की गई है। जी लोकेश, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा, भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा हो रही थी, भीलवाड़ा में अब पॉजिटिव केस सामने नहीं आ रहे हैं और राजधानी जयपुर में लगातार पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ डिफरेंस है, क्या कुछ नहीं कर पा रहा है जयपुर प्रशासन जैसा भीलवाड़ा प्रशासन ने किया है? जी देखिए बिल्कुल, भीलवाड़ा में जिस तरह से कोरोना का दायरा एक साथ बढ़ा था और जिस तरह से जिवान के प्रशासन ने सख्ती दिखाई और उसी तरह से एक नया मॉडल के तौर पर भीलवाड़ा निकल के आया कि वहां पर पिछले 4 दिन से 5 दिन से एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया और उसी तरह से हालांकि सरकार ने जिस तरह से भीलवाड़ा में जो काम किया उसी तरह से अन्य जिलों में काम करने की कोशिश की है, लेकिन हालांकि जिस तरह से भीलवाड़ा एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है माना जाता है। चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे और पूरे प्रदेश को लेकर के अपडेट दे रहे थे कोरोना पॉजिटिव उसके मामले में।